जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है अरमान कैन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। डियर मैं लक्ष्मीकांत, आप सभी लोग को तहे दिल से आज की क्लासेस में करते हैं स्वागत। डियर, जैसा कि आप थंबनेल में भी देख चुके होंगे कि जो क्लासेस है, आज की क्लास लगी है एसिड बेसिस एंड साल्ट के ऊपर। ये टॉपिक जो है वो क्लास 10th का टॉपिक है और दोनों ही बोर्ड के लिए, बच्चों के लिए है, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी और साथ साथ आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चों के। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस कितनी है। यार, इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस समझ लो इतनी है कि यहाँ से एटलीस्ट कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। और खास तौर से आपको प्रिपरेशन में ऑफ एसिड एंड बेसिस के ऊपर तो जरूर बनेंगे, साथ में इसके क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। लेकिन बेटा, उससे पहले हम सारी चीजों के ऊपर बात कर लेंगे कि क्या है एसिड, क्या है बेसिस और क्या है हमारा साल्ट। करेक्ट, तैयार है आप जानने के लिए? तो आज का जो हमारा जो क्लासेस होगा बेटा, वो हम एसिड्स के ऊपर बात करेंगे और टाइप्स ऑफ एसिड के ऊपर बात करेंगे। ये दो चीज आज हम अपने वीडियो में आपको आज देंगे डियर। करेक्ट, तैयार हो जाइए, पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, एक एक वर्ड एक एक लाइन को आप समझेंगे अच्छे से और फिर उसको अपने कॉपी में आप लिखते चलिएगा। पार्ट वाइज इस वीडियो को हम देंगे डियर, सही है? तो आज की क्लासेस हमारी रहेगी दो चीजों के ऊपर। एक हम ये समझ लेंगे कि एसिड किसे बोलते हैं और दूसरा हम ये समझ लेंगे बेटा कि टाइप्स ऑफ एसिड होते कितने तरह के हैं। ये दो कंसेप्ट आज हमको पूरे दिमाग के अंदर आपको ब्रेन में कर देनी है सेट बेटा। जैसा कि मैंने लिखा है पीछे एसिड बेसिस एंड साल्ट, बेटा एसिड जो वर्ड है वो किस चीज से डिराइव हुआ है बेटा, आप जरा सा सोचो, लगाओ जरा सा दिमाग। ये जो वर्ड एसिड है वो डिराइव हुआ है बेटा लैटिन वर्ड से एसिडस। देख रहे हो बेटा, रेड से लिखा हुआ है एसिडस। इस एसिडस का मतलब ही क्या होता है डियर? इसका मतलब ही होता है किस चीज का मतलब क्या है सर? सॉर इन टेस्ट, जो खाने में क्या लगे, खट्टा है ना। तो जो खाने में हमें खट्टा लगे बेटा, वो समझ लो क्या है, एसिड है। इतनी बात तो आपको क्लियर है। देखो डियर, मैंने लिखा भी है यहाँ पे, एक चीज क्लियर करो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, द वर्ड एसिड कम फ्रॉम लैटिन वर्ड। ये बेटा ध्यान में रखना, एसिड जो वर्ड है वो किस चीज से बना है, लैटिन वर्ड से बना है, जिसका मतलब ही क्या है बेटा, एसिडस है ना, एसिडस, जिसका मीनिंग क्या हो गया, सॉर इन टेस्ट। सॉर इन टेस्ट याद रहेगा, खाने में खट्टा। तो आप सोच रहे हो क्या सर ये डेफिनेशन हो गया हमारा एसिड का? नहीं बेटा, दिस वन इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ एसिड। एसिड को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं बेटा, इसको जरा सा समझिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे जरा सा देखो, मैंने एसिड का डेफिनेशन लिखा है, वो बिल्कुल वैसे ही बोलना जैसे मैंने आपको बताया है, ऐसे ही लिखोगे जैसे हमने आपको यहाँ पे लिखा है डियर, तो मार्क्स एकदम कट नहीं होगा आपका, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग क्या लिखे हैं एसिड के डेफिनेशन में। एसिड का डेफिनेशन क्या कहता है बेटा कि सर, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कंटेन हो, क्या कंटेन हो, वन और मोर हाइड्रोजन एटम। बेटा ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारा जितने भी एसिड्स होते हैं उन सभी में कॉमन हमारा क्या है, हाइड्रोजन एटम है। करेक्ट, और हाइड्रोजन एटम बेटा एक ऐसा एटम है जो ड्यूअल इन नेचर का होता है, जो एसिडिक भी है ना, और साथ साथ अल्कली भी है। बेटा इसके ऊपर में डिटेल्स में हाइड्रोजन चैप्टर के ऊपर कभी हम आपको पढ़ाएंगे। तो अभी आप ये समझ लो कि एसिड कैसा कंपाउंड है कि सर, ऐसा कंपाउंड जिसमें कंटेन हमारा एक या एक से ज्यादा क्या कंटेनिंग होगा, बोलो, हाइड्रोजन एटम होगा। और जब इस हाइड्रोजन एटम को बेटा हम डिसॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से ये वर्ड को देखो, किसके अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, वाटर के अंदर इसको डिसॉल्व कर रहे हैं बेटा, तो प्रोड्यूस कर रहा है, किस चीज की प्रोड्यूशन हो रही है बेटा, बेटा सोचो, हाइड्रोनियम आयन। देखो मैं इसको फिर से अंडरलाइन कर रहा हूं यहाँ पे, इसको बेटा इसको समझना, हाइड्रोनियम आयन H3O+। बेटा आपको पता है कि हाइड्रोनियम आयन बना कैसे, वाटर में एक हाइड्रोजन आयन हमारा क्या है, ऐड है ना। देखोगे ध्यान से बेटा, एक हाइड्रोजन आयन को हमने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, H3O+ आयन बन गया बेटा। क्या समझ में आया, वो कौन सा आयन की बात की है हम बताओ, हाइड्रोनियम आयन। कौन सा आयन बेटा, ये कौन सा आयन हुआ, हाइड्रोनियम आयन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक, बिल्कुल सिंपल है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता बेटा, ध्यान से सुनो मेरी बात को, हम क्या बोल रहे हैं बेटा, एक ऐसा हमारा कंपाउंड जिसमें कंटेनिंग क्या हो, वन
और मोर हमारा हाइड्रोजन एटम कंटेनिंग हो बेटा। और ये हाइड्रोजन एटम को जब हम डिसॉल्व कर दे किसके साथ, वाटर के साथ, तो क्या प्रोड्यूस करता है, सोचो सोचो क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा डियर। क्या इतनी बात में कहीं कोई डाउट, कहीं से कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। होप सो आपने पेन कॉपी में लिख लिया होगा एसिड की डेफिनेशन बेटा। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सर जैसे हमने ये समझ लिया कि एसिड क्या है, एसिड किसे बोलते हैं, और नोट में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात वो क्या है, क्या है बेटा, सोचो हाइड्रोजन कैसा एटम है। सर मैंने बताया कि ये दोनों ही अल्कली भी है और हैलोजन्स भी है, लेकिन एसिड में देखा जाए बेटा हाइड्रोजन कॉमन होता है, कॉमन हाइड्रोजन इज कॉमन इन ऑल एसिड्स। सारे एसिड उठा लो, चाहे H2SO4 हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, नाइट्रिक एसिड हो, है ना बेटा, सभी में हमारा हाइड्रोजन क्या है, कॉमन है। तो हम इस बात को समझ लिए बेटा कि हाइड्रोजन क्या है, कॉमन इन ऑल एसिड्स बेटा। करेक्ट, यहां तक कोई डाउट? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे बेटा यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि सर क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, क्योंकि आज का जो वीडियो है बेटा वो दो ही चीजों के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं। एक है हमारा क्या, एसिड डेफिनेशन ऑफ एसिड, और दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। अब बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड में जरा सा देख लें तो हम लोग एसिड को कितने तरीके से डिफाइन किए बेटा। सबसे पहला देखो क्लासिफाई किए हैं, एक हमारा क्या हो गया डिपेंडिंग ऑन द सोर्सेस, सोर्स के आधार पे कितने तरह के एसिड होंगे ये। दूसरा हम बात करेंगे बेटा डिपेंडिंग ऑन देयर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के आधार पे कितना होगा, करेक्ट। और तीसरा बेटा हम लोग जो बात करेंगे वो डिपेंडिंग ऑन देयर बेसिसिटी, बेसिसिटी के आधार पे कितने तरह के हमारे एसिड्स होंगे बेटा, उसकी हम लोग बात करेंगे। तो आप तैयार है बेटा इसको जानने के लिए, तैयार है, गुड। हम लोग आगे बढ़ते बेटा। सबसे पहला हम लोग बात किसके करेंगे, डिपेंडिंग ऑन देयर सोर्सेस के ऊपर, कि सर सोर्स के आधार पे बताइए कितने तरह के एसिड्स होंगे। कमेंट सेक्शन में आप भी लिखोगे बेटा कितने तरह के होते हैं यदि आप जानते हो तो। चलो डिपेंडिंग ऑन द सोर्सेस के आधार में बेटा दो, एक हमारा एसिड कैसा होता है बेटा, ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, और दूसरा बेटा हम क्या बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। दूसरा हमारा कौन सा एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड। इस इनऑर्गेनिक एसिड को बेटा हम एक और नाम से जानते हैं, एक और नाम से जानते हैं, इसे हम लोग मिनरल एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मिनरल एसिड, याद रहेगा। ऑर्गेनिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, मिनरल एसिड। अब बात आती है कि सर ऑर्गेनिक एसिड मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनिक का मतलब क्या बेटा, सिंपल टर्म है, सिंपल वर्ड है, सोचो ऑर्गेनिक का मतलब लिविंग सर, बहुत बढ़िया। इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग सर। तो अब जरा सा देखो, कहने का मतलब यह हुआ कि सर यदि ये बात आप ऑर्गेनिक एसिड का करते हैं, मतलब यह हुआ कि द एसिड विच डिराइव फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, करेक्ट। तो देखो बेटा हम जब बात कर रहे हैं किसका, फर्स्ट ले लो, फर्स्ट हम लोग लेते हैं किसका, ऑर्गेनिक एसिड का, सही है, ऑर्गेनिक एसिड को लेते हैं बेटा। इस ऑर्गेनिक एसिड को जब हमको डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे, सोचो इस ऑर्गेनिक एसिड को कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, नहीं इसको ध्यान दो, द एसिड विच डिराइव फ्रॉम, लिखो बेटा इसको ऐसे, दोज एसिड विच व्हाट डिराइव फ्रॉम, कहां से सोचो, कहां से डिराइव है बेटा, प्लांट्स एंड कौन सा प्रोडक्ट बेटा, सोचो प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट, जो बेटा प्लांट से और कहां से एनिमल के प्रोडक्ट से मिल रहा हो वो हमारा एसिड कैसा एसिड कहलाएगा, सोचो लगाओ दिमाग। सर ये एसिड हमारा ऑर्गेनिक एसिड है, सो सिंपल, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलो बेटा कुछ एग्जांपल देते हैं हम आपको, आपको बेटा आपको एंट या बीज स्टिंग किया है बेटा, काटा है, सोचो एग्जांपल हम ले रहे हैं, कभी आपको चींटी ने या मधुमक्खी ने काटा है, काटा होगा तो आप कभी इसको भूले नहीं होंगे, नहीं ना भूले हैं, हाँ बहुत लहर देता था ना, लाल भी हो गया होगा, स्वेलिन हो गया होगा एरिया ना, हाँ। उस एंट और बी स्टिंग में बेटा पाया जाता है एसिड हमारा कौन सा बेटा, फॉर्मिक एसिड, कौन सा एसिड बोलो, फॉर्मिक एसिड बेटा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, HCOOH, करेक्ट, सही है। अच्छा विनेगर बेटा, विनेगर आप लोग खाए हो, विनेगर चौमिंग वोमिंग तो खाते होगे बेटा, वो लाल लाल नहीं देखे हो जो चौमिंग में डालता है विनेगर, हाँ बिल्कुल,
उसमें बेटा एसिड हमारा पाया जाता है कौन सा बेटा, एसेटिक एसिड। कौन सा पाया जाता है बेटा, एसेटिक एसिड पाया जाता है। सोचो एसेटिक एसिड किसमें है, विनेगर में है। क्या फॉर्मूला होगा सर उसका, सोचो क्या होगा, CH3COOH। ये हमारा कौन सा एसिड हो गया बेटा, एसेटिक एसिड हो गया। अच्छा याद करके देखो बेटा, इमली कभी खाए हो, लड़कियां लोग तो खूब इमली खाती हैं, है ना, इमली का पानी, गोलगप्पा आयो ने बेटा, हाँ उसमें बेटा कौन सा एसिड होता है सोचो, टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड देख पा रहे हो बेटा, कौन सा एसिड है, टार्टेरिक एसिड। समझ में आए तो बताओ, क्लियर है। हाँ सर क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं। अब बताओ और कौन सा है एसिड बेटा, हाँ और भी कोई एसिड है, हाँ सर और भी एसिड है ना ऑर्गेनिक एसिड में। अच्छा आंसू बेटा, टीयर्स है ना, टीयर्स आंसू, उसमें भी क्या होते हैं बेटा, एसिड होते हैं। कौन सा एसिड होता है सोचो, लोग बोरिंग होने पर क्या करते हैं, रोते हैं ना, इसलिए उसमें कौन सा एसिड, बोलो बोरिक एसिड। क्योंकि लोग जब बोर हो जाते हैं, कुछ नहीं होता है तो क्या करते हैं, वो रोते हैं, है ना, बच्चे नहीं मिलने पर क्या करते, रोते हैं, है ना, तो उसमें कौन सा एसिड है, बोरिक एसिड है डियर, करेक्ट। अच्छा यूरिन बेटा बताओ, यूरिन, यूरिन में भी एसिड है या कि नहीं, यस सर बिल्कुल है। कौन सा एसिड हुआ बेटा, यूरिक एसिड। कौन सा एसिड, यूरिक एसिड। और बताओ बेटा आपने एप्पल खाया है, एप्पल सेव, डॉक्टर भी तो बोलता है टेक एन एप्पल अ डे किस द डॉक्टर अवे, रोज एक सेव खाओ डॉक्टर को दूर भगाओ। लेकिन सर ऐसा करता कौन है कि नहीं, एप्पल बेटा, एप्पल APPLE, एप्पल। एप्पल में बेटा कौन सा एसिड है, कमेंट में लिख के बताओ हमको जल्दी से, है ना, क्या होगा। एप्पल में बेटा पाया जाता है कौन सा, मैलिक एसिड। कौन सा एसिड, मैलिक एसिड बेटा। क्या इतनी बात क्लियर हो रहा है कि नहीं, सोचो मैं क्या बता रहा हूं। यस सब क्लियर है। आपने बेटा दही खाया है, दही लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है ना, जो मिल्क को कन्वर्ट कर दिया किसमें, कर्ड में, तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क है ना, तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क में यानी बेटा कर्ड में, दही में कौन सा एसिड है सोचो, लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड, दिख रहा है। तो दीज ऑल आर द वर्ड बेटा, एसिड, विच टाइप ऑफ एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। व्हाई आई एम सेइंग ऑर्गेनिक एसिड, बिकॉज दीज ऑल एसिड डिराइव फ्रॉम लिविंग प्रोडक्ट, आइदर फ्रॉम प्लांट्स और आइदर फ्रॉम व्हाट, एनिमल्स बेटा, याद करके देखो, देखना। अच्छा एक बेटा और भी एसिड है, आपने नाम सुना होगा ओलाइव ऑयल। क्या बोल रहे हैं बेटा, ओलाइव ऑयल, देखे हैं, देखे हैं बेटा ओलाइव ऑयल, उसमें कौन सा एसिड होता है सोचो, ओलोइक एसिड, याद रहेगा कौन सा, ओलोइक एसिड। तो ये बेटा आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्लियर है, क्लियर है। ओलाइव ऑयल में कौन सा, ओलोइक एसिड बेटा, क्लियर है। तो जल्दी से बताओ हमको, इन सारी चीजों को आप लोग बेटा लिख लो, कहीं कोई दिक्कत हो तो। एक एक चीज को मैंने आपको लिख दिया है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, सभी चीज बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से है ना। तो डिपेंडिंग ऑन देयर सोर्सेस के आधार पे हमने क्या देखा बेटा, ऑर्गेनिक एसिड देख लिया, राइट, सही। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में क्या देखेंगे, इनऑर्गेनिक एसिड बेटा। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट स्लाइड पे तो हमने डाला डिपेंडिंग ऑन देयर बेसिसिटी, इससे यहां पे बेटा हम ले लेते हैं, नहीं हम लोग किस पे चल रहे हैं बताओ, डिपेंडिंग ऑन द सोर्सेस के आधार पे चल रहे हैं ना अभी, हाँ जी। तो डिपेंडिंग ऑन देयर व्हाट, सोर्सेस, अभी सोर्सेस पे ही चल रहे हैं हम लोग। तो सोर्सेस में हमने ऑर्गेनिक एसिड के ऊपर बात कर लिया, दूसरा हमारा कौन सा एसिड है बेटा, दूसरा कौन सा एसिड है, इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड। और बेटा इनऑर्गेनिक एसिड को हम लोग और क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड, क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड बोलते हैं, सही है, सही है। कौन सा एसिड बोलते हैं, मिनरल एसिड। अब सोचो बेटा कि मिनरल एसिड आखिर सर किसे आप बोलिएगा, किसे बोलते हैं मिनरल एसिड, सोचो सोचो, लगाओ ध्यान से बेटा। जितने भी एसिड्स हैं जिसमें कंटेनिंग हमारा हाइड्रोजन है, ये बात तो सही है सर, लेकिन मिनरल एसिड किसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे सोचो सर। ऐसा एसिड जो कि हम लोग प्रिपेयर करते हैं कहाँ, लैब में, कहाँ प्रिपेयर करते हैं बेटा, लैब में तैयार करते हैं। लेकिन बेटा उसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है सोचो, कार्बोनिक एसिड बेटा, याद रखना H2CO3 हमारा, वो हमारा इन और वो एक्सेप्शन केस में है, वो H2CO3 हमारा किस किस में है,
एक्सेप्शन केस में है बेटा, तो याद रखना जब हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड को बोलना होगा बेटा, तो कैसे हम लोग बोलते हैं सर, ऐसा एसिड जो सर प्रिपेयर किया गया हो कहां, लैब के अंदर, कहां पे, लैब के अंदर। तो चलो बेटा हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे इसको देखो ध्यान से, कि दोज एसिड विच डिराइव फ्रॉम, कहां से ड्राइव फ्रॉम लैबोरेटरी है ना। तो लैबोरेटरी से बेटा जब डिवाइड हम लोग क्या करें, ड्राइव करें, तो जैसे एग्जांपल में ले लो बेटा, क्या हमारा एसिड आ जाएगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 बेटा ले लो नाइट्रिक एसिड, ये सारे के सारे एसिड हमारे कैसे एसिड कहलाएंगे बोलो, ये सारे के सारे एसिड हमारे क्या कहलाएंगे बेटा, मिनरल एसिड कहलाएंगे, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। कहीं से कोई डाउट, किसी भी तरह का कोई डाउट तो पूछ लो, जल्दी से पूछ लो बेटा, आपको मैं समय दे रहा हूं, जल्दी से कहीं से भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए और इसको लिख लीजिए, मैं स्क्रीन से हट गया हूं बेटा ताकि आप इसको लिख लो। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, इसमें बात बेटा मैंने आपको एक समझाया था, ये एक्सेप्शन वाला केस हम यहां पे लिख देते हैं बेटा, एक्सेप्शन वाला केस हमने आपको समझाया है, एक्सेप्शन वाला केस हमने आपको समझाया। मालूम है कौन सा एक्सेप्शन वाला केस लेना है बेटा, बोलो। यस, H2CO3 वाला, यानी कौन सा बेटा, कार्बोनिक एसिड। तुम लोग कौन सा एसिड बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। कार्बोनिक एसिड हमारा क्या है बेटा, एक्सेप्शन केस में है, जो इनऑर्गेनिक होने के बावजूद भी हमारा इनऑर्गेनिक एसिड के अंदर नहीं आता है बेटा, याद रखना। दे डू नॉट कंटेन, क्या बोलो कौन सा नहीं, एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड नहीं है। क्यों नहीं है, कारण इसलिए सर क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग किसमें करते हैं बेटा, सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर करते हैं ना, तो ये हमारा सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर यूज होने वाले एसिड्स हैं कार्बोनिक एसिड, है ना। आप लोग बेटा थम्सअप पियो, पेप्सी पियो, कोको कोला पियो, उन सारे एसिड्स में कैसा एसिड है हमारा सर, ऐसा एसिड जो कि क्या है, वीक है। यस, ये बात दिमाग में रखना है बेटा। यहां तक क्लियर है तो जल्दी से बताओ, बोलो जल्दी से क्लियर हुआ या नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट हम लोग बेटा यहां से पिछले प्रीवियस स्लाइड के अंदर आते हैं, और ये जरा सा देखो, हमने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड को कर लिया है क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बेटा स्लाइड्स में जरा सा देखें, हम डिपेंडिंग ऑन देयर कंसंट्रेशन के आधार पे हम क्या करेंगे, एसिड्स को क्लासिफाई करेंगे। देखो बेटा इसमें सबसे पहला क्या आ जाएगा बेटा, डाइल्यूट एसिड, ठीक, और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, सोचो, कंसंट्रेटेड एसिड। दूसरा कौन सा एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड, सही है। एक हमारा कौन सा एसिड हुआ बोलो, डाइल्यूटेड सर, डाइल्यूट वर्ड डाइल्यूट का मतलब समझते बेटा, बताओ जल्दी से, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो ज्यादा। जैसे मैंने एक बॉटल लिया बेटा, इस बॉटल में क्या है, पानी है, लेकिन अभी पानी क्या है, कम है, आपको समझो पानी क्या इसमें कम है, और इसमें हमने एसिड को डाल दिया, ठीक। यदि एसिड की मात्रा बेटा ज्यादा हो और पानी की मात्रा क्या हो, कम हो, तब तो एसिड हमारा कॉन्सेंट्रेटेड है। लेकिन वही बेटा जब हमारा पानी की मात्रा क्या हो जाए, एसिड में ज्यादा हो जाए, है ना, तो पानी की मात्रा ज्यादा और एसिड की मात्रा क्या हो, कम हो, तो वैसे कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब ही क्या हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, वाटर बेटा। तो हम क्या बात करेंगे, डाइल्यूट एसिड में द अमाउंट ऑफ वाटर, क्या बोल रहे हैं, द अमाउंट ऑफ वाटर इज हायर देन व्हाट एसिड। तो बेटा पानी की मात्रा हमारा क्या है, ज्यादा है, और एसिड की मात्रा क्या है, कम है, तो वैसे कंडीशन में हमने कौन सा एसिड कहा बोलो, यस, कौन सा एसिड कहा, डाइल्यूट एसिड बेटा, ठीक। वहीं पर अब जरा सा ये समझने वाली बात कि सर कि डाइल्यूट एसिड आपने कह दिया, बहुत अच्छा बात। अब डाइल्यूट एसिड में हम लोग ये देख रहे हैं कि मात्रा वाटर का क्या है, ज्यादा है, और पानी का कम है, बहुत बढ़िया। अब इसमें कंसंट्रेटेड में क्या लिख देंगे कि सर ऐसा द अमाउंट ऑफ वाटर
ऑफ वाटर इज क्या बताओ? लेस देन देन व्हाट? एसिड। तो एसिड से हमारा वाटर की मात्रा क्या है बेटा बोलो, कैसा ही है हमारा? लेस है। कैसा है? लेस है। तो लेस हो गया हमारा एसिड पानी से, तो ये हमारा कैसा एसिड कहलाएगा? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहलाएगा। कैसा एसिड कहलाएगा? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहलाएगा, कॉन्क जिसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में। क्या बोलते हैं? कॉन्क। क्या इतनी बात क्लियर है? समझ में मेरी बात आ रही है तो बताओ, यहां तक कोई डाउट? किसी भी तरह का कोई डाउट बेटा, कमेंट सेक्शन आपके लिए नीचे दिए हैं बेटा, उस सेक्शन में जाकर आप पूछ सकते हो क्वेश्चन, राइट। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि सर ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन हमने देख लिया, बहुत बढ़िया। अब सर किसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे? इससे पहले क्या देखे थे? ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्सेस, सोर्सेस के आधार पे दो, ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड। दूसरा हमने क्या देख लिया? ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में क्या देखा? दो, एक डायलूट और दूसरा क्या? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। उपसो क्लियर, आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट बेटा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा? डिपेंडिंग ऑन देयर बेसिसिटी। देखो जब कभी बेटा टाइप्स ऑफ एसिड में पूछे तो याद रखना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी, लेकिन वहीं जब बेस जब पढ़ाएंगे बेटा वहां जब कोई पूछेगा तो वहां बोलना ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिटी। यस, ये वर्ड थोड़ा सा याद रखना, कभी नहीं भूलोगे। एसिड के लिए बेसिसिटी और बेस के लिए एसिडिटी, क्या ये वर्ड याद रहेगा? बहुत बढ़िया। तो इसमें बेटा हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहला हमारा होता है बेटा मोनोबेसिक एसिडिक, ठीक। दूसरा होता है बेटा हमारा क्या? डाई बेसिक क्या? एसिडिक, सही है। तीसरा हमारा क्या होगा बेटा? सोचो, लगाओ दिमाग, ट्राई बेसिक एसिडिक। बात समझ में आ रही है? एक हमारा मोनोबेसिक एसिडिक है, दूसरा हमारा डाई बेसिक एसिडिक है, और तीसरा हमारा ट्राई बेसिक एसिडिक है। बेटा देखो नाम से वर्ड से सारी चीजें क्लियर है, आपको फॉलो करो। मैंने जैसे ही बोला मोनोबेसिक एसिडिक, देखो बेटा मोनो का मतलब ही क्या होता है? मोनो का मतलब क्या होता है बेटा? सोचो, मोनो का मतलब होता है सिंगल। तो कहने का मतलब सर कि मोनोबेसिक एसिडिक वो हमारा एसिड है जिसमें एक हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन का डिसोसिएशन। मेरी बात को फॉलो करो, मेरी बात को ध्यान से सुनो बेटा, हम क्या कर रहे हैं? When the acid mixes with their water, then it dissociates their one hydrogen atom in a solution या from solution is known as what? Monobasic acidic। जैसे बेटा मैंने लिया HCl, HBr, HI यानी hydrobromic acid, iodide acid, hydrochloric acid, ये सारे acid कैसे हैं हमारे? हाँ, monobasic acidic है बेटा। जैसे कोई बात करता है डाई बेसिक एसिडिक, तो डाई का मतलब क्या हुआ? दो, ठीक। तो क्या बोलेंगे? द एसिड विच डिसोसिएट्स टू हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इज नोन एज व्हाट? डाई बेसिक एसिडिक बेटा। तो डाई बेसिक एसिडिक हमने देखा, मोनोबेसिक एसिडिक हमने देख लिया, नाम से वर्ड से टर्म क्लियर है। ट्राई बेसिक एसिडिक हम लोग किसको बोलते हैं बेटा? ट्राई बेसिक एसिड में बोलेंगे बेटा कि एसिड विच ऑन आयोनाइजेशन, यानी किससे? जब वो आयोनाइजेशन करे, किसके साथ आयोनाइजेशन कर सकता है बेटा? सोचो, लगाओ दिमाग, पानी के साथ, क्योंकि अपना आयन का वो ब्रेक किस में करेगा? जब भी करेगा तो किसके साथ करेगा? पानी के साथ करेगा। और क्या कर सकता है बेटा? प्रोड्यूस कर सकता है हमारा किसको? हाइड्रोनियम आयन को, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया है कि जितने हमारे एसिड्स हैं उन सभी में कॉमन क्या है? हाइड्रोनियम आयन है। तो प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन कर रहा है कि पर मॉलिक्यूल्स ऑफ द एसिड, जितना हमारा मतलब कि बेसिक आप बोल रहे हो सर, उतना पर मॉलिक्यूल हमारा हाइड्रोनियम आयन क्या करेगा? डिसोसिएट्स करेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्राई बेसिक एसिडिक बेटा। चलो इसको हम लोग लिख कर एक एक चीज को समझते हैं, ताकि आपको एक एक वर्ड एक एक चीज आपको क्या हो जाए? क्लियर हो जाए बेटा। चलिए हम लोग यहां से देखते हैं। सबसे पहला यहां पे बेटा हम लोग देख लेंगे, क्या कलर से लिखते हैं ताकि आपको दिख जाए। सबसे फर्स्ट हम लोग किसका देखेंगे बेटा? मोनो बेसिक एसिडिक की बात करेंगे, ठीक। देखो बेटा मोनोबेसिक एसिडिक की जब कोई बात करे तो क्या हम लोग बोलते हैं? नहीं, ध्यान देना, मोनोबेसिक एसिडिक में क्या बोलेंगे? एसिड विच ऑन आयोनाइजेशन। देखो हम क्या वर्ड लिख रहे हैं? एसिड विच
नहीं तो ऐसी ये सीट बेटा, एक सेकंड देना तो थोड़ा सा ठीक से लिख दे ताकि आपको दिखे। ऐसा ए सीड बेटा, ए सीड विच ऑन क्या बताओ? आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन का मतलब ही क्या होता है बेटा, ध्यान से समझ लो। आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ आयन। ब्रेकिंग ऑफ क्या सोचो? आयन। तो आयन का बेटा ब्रेकिंग होना आयोनाइजेशन कहलाता है। एसिड विच ऑन आयोनाइजेशन, जब आयोनाइजेशन हो रहा होगा तो क्या करेगा सर, कहां पे आयोनाइजेशन करेगा, तो ये भी तो बात आपको जानना चाहिए सर। पानी में। कहां करेगा? पानी में। तो इन वाटर है ना, अब प्रोड्यूस करेगा कितना, कितना सोचो जरा सा बेटा, कितना प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोनियम आयन? बोलो, मोनो हमारा है तो प्रोड्यूस वन वन हाइड्रोनियम आयन, वन हाइड्रोनियम आयन। ठीक, जब एक हाइड्रोनियम आयन हमारा बेटा क्या करे, डिसोसिएट्स करे, ब्रेक करे, आयोनाइजेशन करे, कहाँ? तो पानी में, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, मोनो बेसिक एसिडिक बोलते हैं। कोई दिक्कत? जैसे एग्जांपल में ले लो बेटा, हमने ले लिया HCl। HCl को बेटा जब हम इसमें क्या करेंगे, वाटर पास करेंगे तो किसमें टूटेगा सोचो? H प्लस में और Cl माइनस में बेटा टूट गया, तो HCl हमारा हो गया। HBr आप ले लो बेटा, हाइड्रोब्रोमिक एसिड ले लो, इसको हम यदि वाटर के साथ लेते हैं तो भी हमारा किसमें? H प्लस में, और यहाँ पे हमारा क्या Br माइनस में बेटा टूट रहा है। बोलो सही है नहीं? क्लियर है? मेरी बात समझ पा रहे हो तो बोलो यस नो, जल्दी से बताओ कमेंट करके बेटा। यहां तक कोई डाउट तो पूछ लो जल्दी से, लिख लीजिए इसको जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक। चलिए, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा, आगे आगे देखते हैं। दूसरा हमारा कौन सा है? आई बेसिक, डाई बेसिक एसिडिक बेटा। डाई बेसिक एसिडिक, डाई का मतलब ही क्या हो गया? दो हो गया। क्या हो गया? दो हो गया। तो क्या बोलेंगे बेटा वहां पर हमारा? देखो यहाँ पे प्रीवियस में चेक करो क्या था। एसिड विच ऑन आयोनाइजेशन इन वाटर प्रोड्यूस वन हाइड्रोनियम आयन, तो यहां पर क्या बोलेंगे? एसिड विच ऑन आयोनाइजेशन, क्या बोलेंगे बेटा? एसिड विच ऑन आयोनाइजेशन। ठीक है, समझ पा रहे हो बेटा क्या बोल रहे हैं? हाँ, कट नहीं रहा है, सही है। विच ऑन आयोनाइजेशन, तो क्या करे, क्या करे सोचो, लगाओ दिमाग, किसमें आयोनाइजेशन करता है? तो सर इन वाटर, पानी में करता है, और पानी में आयोनाइजेशन करके बेटा क्या करेगा? टू हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि दो है तो दो हाइड्रोनियम आयन को क्या करेगा, दो हाइड्रोनियम हाइड्रोनियम आयन को क्या करेगा बेटा बताओ? डिसोसिएट करेगा, यानी ब्रेक करेगा। डिसोसिएट का मतलब क्या होता है बेटा? ब्रेक। देखो मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, भूलोगे नहीं, डिसोसिएशन, ब्रेक डाउन है ना। तो ऐसी सीड बेटा जिसमें कंप्लीट हमारा आयोनाइजेशन होगा, यस सर, लेकिन सर कहाँ होगा? पानी में होगा। कितना होगा? टू हाइड्रोनियम आयन का होगा। देखो यहां पर लिखा हुआ है कितना हाइड्रोनियम आयन, टू हाइड्रोनियम आयन, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डाई बेसिक एसिडिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाई बेसिक एसिडिक बेटा। इसको जरा से एग्जांपल से लो, यदि हमने बेटा H2SO4 को किसके साथ मिलाया, वाटर के साथ, तो इसमें क्या होगा? H2+ आयन में और साथ में सल्फेट हमारा माइनस आयन में। देखो यहां पे कितना हाइड्रोनियम आयन का डिसोसिएशन हो रहा है भाई, यदि दो हाइड्रोनियम आयन का हमारा यहां पे डिसोसिएशन कहलाएगा बेटा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डाई बेसिक एसिडिक बोलेंगे। करेक्ट करेक्ट बेटा। देखो क्या है ना कि चीजों को समझ समझ के एक एक चीज को करो बेटा, कोई फास्ट नहीं है, कोई आपको मतलब कि हड़बड़ी नहीं होना चाहिए, रुक रुक के एक एक चीज को, कंसेप्ट को क्लियर करो, है ना। चलिए यहां तक कोई दिक्कत जल्दी से बताओ हमको, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए बेटा, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, है कि नहीं, जल्दी से बताओ। अब जरा सा देखो बेटा, H2SO4 को वाटर के साथ मैंने ले लिया, इसको डायरेक्ट मैंने तोड़ दिया। ऐसे जनरली होता क्या है बेटा कि हाइड्रोनियम आयन में और इसमें हमारा सल्फेट आयन में टूटता, एक हाइड्रोजन सल्फेट में टूटता है। इसको हम बेटा ऐसे भी, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। सर किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं?
तो हाइड्रोनियम आयन में तोड़ दीजिए और HSO4 के माइनस में तोड़ दीजिए, बोलो है ना। फिर वापस इसको लेकर आओ यहाँ पे इसको लेकर वापस आओ, H3O+ है, फिर इसको क्या करो बेटा, वाटर के साथ ऐड कर दो, बोलो सही है। तो यहां से क्या हो जाएगा सर, H3O+ है ना हमारा, H3O+ है, फिर यहां से क्या करेगा, ये टूट जाएगा सर, क्या करेगा ये बताओ, टूट जाएगा, किसमें टूटेगा, सॉरी हाइड्रोनियम आयन को हम तोड़ रहे हैं, ये भगवान रुक जाओ जी, सॉरी इसको लेकर आना है बेटा, इसको हमको लेना था, ए भाई रुको यार, इसको लेना था, किसको लेना था, ये वाला, ये लेकर आओ, एक ये ना बचा है HSO4 प्लस क्या बेटा H2O, तभी क्या करेगा H प्लस में और HSO4 माइनस आयन में टूट जाएगा, टूट जाएगा, सही है कि नहीं, बोलो। इस फॉर्मेट में भी आप क्या कर सकते हो बेटा, लिख सकते हो, दोनों ही सही है, हाइड्रोनियम आयन में तोड़ो और एक हाइड्रोजन सल्फेट आयन में, फर्दर ये हाइड्रोजन सल्फेट आयन हमारा यहां से देख रहे हो टूट रहा है पानी के साथ ऐड करने पर, देखो जरा सा, और टूटकर क्या दे रहा है, हाइड्रोजन आयन दे रहा है, साथ में सल्फेट दे रहा है बेटा, क्या इतनी बात आपको क्लियर हो गई। चलो इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, क्या लेंगे नेक्स्ट पे लेते हैं, H2CO3 है ना बेटा, H2CO3 को किसके साथ मिला दो, पानी के साथ मिला दो, H2CO3 को किसके साथ मिलाया, वाटर के साथ मिलाया सर, यहां पर भी क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन में टूटेगा, अब प्लस किस में टूटेगा सर, HCO3 माइनस आयन में टूटेगा, फर्दर इस HCO3 को बेटा हम यहां पर लिखते हैं, बचा हुआ ना भी है HCO3 प्लस किसके साथ, वाटर के साथ, तो किस में टूट जाएगा बताओ, H प्लस आयन में और साथ में क्या, CO3 माइनस आयन में बेटा, देखो कितने बार यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा आयन डिसोसिएट्स होता है, दो बार हुआ बेटा, तो जहां पे दो बार हमारे हाइड्रोजन आयन क्या करेंगे, डिसोसिएट्स करेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, डाई बेसिक एसिडिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाई बेसिक एसिडिक बोलते हैं, क्या इतनी बात आपके दिमाग के अंदर सेट है, तो फिर बोलो हम लोग किसी भी तरह से वेट नहीं करेंगे, कोई दिक्कत, क्या लाइन है, जब सेट है तो फिर वेट नहीं करेंगे, है ना, हाँ जल्दी से बताओ क्लियर है या नहीं, डाई बेसिक एसिडिक है टू रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, कितने हमारे हाइड्रोजन एटम बेटा रिप्लेसेबल हैं, दो हाइड्रोजन एटम हमारे, दो हाइड्रोजन आयन भी बोल सकते बेटा, यदि रिप्लेसेबल हैं देयरफॉर दे फॉर्म व्हाट, दे फॉर्म व्हाट, एसिड, है ना, चलिए चलिए यहां कोई दिक्कत बेटा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट बढ़ते हैं किसमें, तीसरा बेटा हमारा कौन सा आ जाएगा, ट्राई बेसिक, ट्राई बेसिक एसिडिक, अब देखो नाम से बेटा यहां पे क्लियर है, ट्राई, ट्राई का मतलब क्या होता है, तीन, कितने हाइड्रोजन आयन का यहां से डिसोसिएशन हो, सोचो यदि तीन हाइड्रोजन आयन का हमारा क्या हो, डिसोसिएशन हो बेटा, सोचो जरा सा क्या एग्जांपल होगा, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ बेटा, बताना जल्दी से आप भी अपना आंसर के, ट्राई बेसिक एसिडिक का क्या एग्जांपल होगा बेटा। चलो ट्राई बेसिक एसिडिक को हम लोग बोलेंगे बेटा एसिड विच ऑन आयोनाइजेशन, पहले डेफिनेशन लिख लो उसी तरीके से जैसे हमने मोनोबेसिक और डाइबेसिडिक का लिखा था, एसिड विच ऑन क्या भाई, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन का मतलब ही क्या होता है बेटा, ब्रेकिंग ऑफ आयंस, क्या, ब्रेकिंग ऑफ आयंस, तो एसिड विच ऑन आयोनाइजेशन किसके साथ आयोनाइजेशन करेगा बेटा, विथ वाटर, किसके साथ, पानी के साथ, जैसे पानी के साथ इसको करोगे बेटा तो यहां से हमारा क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा भाई कितना हाइड्रोनियम आयन सर, थ्री, थ्री हाइड्रोनियम आयन, ऐसा क्यों, क्योंकि सर आपने क्या लिया है, ट्राई लिया है, ट्राई का मतलब ही क्या होता है, सोचो ट्राई लिया मैंने ना, ट्राई का मतलब ही क्या होता है, तीन, यदि हमारा तीन हाइड्रोजन आयन का, तीन हाइड्रोनियम आयन का बोलो बेटा यदि डिसोसिएशन होता है वाटर में तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्राई बेसिक एसिडिक बोलते हैं बेटा, ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई सर। अब इसमें आते हैं बेटा, इसके कुछ एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, किस क्या ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, एग्जांपल में आप ले लो बेटा जल्दी से, एक ले लो आप फॉस्फोरिक एसिड ले लो बेटा, H3PO4 को मैं बेटा H2O के साथ मिलाओगे तो किस में टूटेगा, सोचो जरा सा, क्योंकि सर यहाँ पे कितना हाइड्रोजन आयन है, सोचो तीन है
अब बीच में क्या है, फॉस्फोरस है, तो जैसे ही हमने H3PO4 को बेटा वाटर के साथ हमने इसको ऐड किया तो ये हमारा टूटेगा सर, किसमें टूटेगा, हाइड्रोनियम आयन में सर टूट जाएगा सबसे पहला, और किसमें टूटेगा सर, H2PO4 में टूटेगा माइनस बेटा, सही है। फर्दर लो इसको H2PO4 को, यहां पे देखो, यहां पे H2PO4 को लो बेटा, है ना, माइनस एन, फिर इसके साथ क्या करो, वाटर ऐड करो, किसमें टूटेगा सर, हाइड्रोनियम आयन में टूटेगा, और साथ में किसमें टूटेगा, सोचो जरा सा कि सर यहां से H2 में टूटा था, अब यहां पर क्या टूटेगा, बोलो HPO4, क्या HPO4 माइनस में बेटा, अभी भी यहां पे देखो एक हाइड्रोजन आयन यहां पर भी है, तो जरा सा ले लो बेटा HPO4 को, फिर यहां से ले लो वाटर, इसमें टूट रहा है H3O+ में, और साथ में क्या बेटा इस सॉरी फॉस्फेट में है PO4 माइनस आयन में बेटा, तो जरा सा देखो यहां पे हमारा 3 बार डिसोसिएशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा, यहां देखो 3 टाइम्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 1, 2 और 3, तो 3 टाइम्स हमारा हाइड्रोनियम आयन का क्या हुआ बेटा, डिसोसिएशन हुआ है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्राई बेसिक एसिडिक बोलते हैं बेटा। हमें तो नहीं लगता यहाँ पे कोई दिक्कत होनी चाहिए, कोई भी डाउट होनी चाहिए, हमने अभी तक आपके क्लासेस में क्या क्या बात किया बेटा कि एसिड क्या है, एसिड डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन सॉर इन टेस्ट, क्लियर दिमाग में सेट। दूसरा फिर मैंने आपको बताया कि सर एसिड की डेफिनेशन बताइए, ये डेफिनेशन नहीं है कि जो खाने में खट्टा लगे वो एसिड है, नहीं, एसिड की डेफिनेशन क्या है, तो एसिड का डेफिनेशन मैंने बताया बेटा कि ऐसा हमारा कंपाउंड यदि हम सर वाटर के साथ ऐड करें तो वो हमारा हाइड्रोनियम आयन में टूट जाए, ठीक, वन या वन से ज्यादा, एक से ज्यादा, तो दोस कंपाउंड व्हेन मिक्स्ड विद द वाटर देन इट डिसोसिएट्स देयर, वन और मोर देन टू हाइड्रोनियम आयन इज नोन एज व्हाट, यस दैट इज नोन एज व्हाट, एसिडिक। फिर इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड में हमने आपको ये बताया डियर कितने तरह के हमारे एसिड को हो सकते हैं, तो हमने आपको बताया सबसे पहला ऑन द बेसिस, उसके हमारे आधार पे बेसिस था, आधार था, वो क्या आधार है, तो सबसे पहला आधार मैंने आपको बताया बेटा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज, स्रोत के आधार पे, तो स्रोत के आधार पे देखा जाए तो हमारे 2 प्रकार के एसिड हो गए बेटा, एक कौन सा, ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड मींस व्हाट, द एसिड विल डिराइव फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, व्हाइल इनऑर्गेनिक एसिड आल्सो नोन एज व्हाट, मिनरल एसिड, ऐसा एसिड बेटा जिसे हम लोग कहां तैयार करते हो, लैबोरेटरी में तैयार करते हो, वो सारे के सारे क्या है, मिनरल एसिड। और आपको पता होना चाहिए जितना भी हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है वो सारा का सारा हमारा क्या है, मिनरल एसिड है, जितना भी हमारा वीक एसिड है वो सारा का सारा क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है। देखो बेटा इस बात को हम नोट में आपको लिख देना चाहते हैं ताकि आप भूलो नहीं, है ना, ताकि आप भूलो नहीं, देखो बेटा इस बात को नोट में लिख लो, ऑल ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑल ऐसे लिखोगे बेटा, ऑल इनऑर्गेनिक एसिड ऐसे लिखो, ऐसे नहीं, ऑल इनऑर्गेनिक एसिड, ऑल इनऑर्गेनिक एसिड, जितने भी बेटा इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं वे सभी के हमारे क्या हैं, ऑल इनऑर्गेनिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन उसमें बेटा एक एक्सेप्शन है, उसमें क्या है, एक एक्सेप्शन केसेज है, मैंने एक्सेप्शन भी बताया आपको, कौन सा एक्सेप्शन, सोचो लगाओ दिमाग, अभी मैंने बताया था सॉफ्ट ड्रिंक में इस्तेमाल किया जाता है, हम सब पीने में कोको कोला है ना जो पीते हो ना बेटा, तो काला पानी, काला पानी के नाम दे रहे हो, बोलो है ना, यस, तो बेटा वो उसमें हमारा क्या है, वीक एसिड है, H2CO3, एक है तो इनऑर्गेनिक लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये कैसा एसिड है, ये कैसा एसिड है, इट इज वीक एसिड, इट इज वीक एसिड यूज, एक सेकेंड देना, यूज इन किसमें हम लोग इसको यूज करेंगे, बोलो किसमें हम लोग यूज करेंगे, यूज इन किसमें, सॉफ्ट ड्रिंक में बेटा, किसमें, सॉफ्ट ड्रिंक्स में, सॉफ्ट ड्रिंक में इस्तेमाल करने वाला एसिड हमारा कैसा एसिड होता है, वीक एसिड होता है बेटा, ये याद रखना, ये तो पहली बात हो गई, बोलो दूसरी बात क्या है सर, दूसरी बात क्या है, ऑल इन ऑर्गेनिक एसिड, मैं यहां से क्या लिख रहा हूं, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर व्हाट, बोलो वीक एसिड,
सारे ऑर्गेनिक एसिड हमारे क्या होते हैं बेटा, वीक एसिड होते हैं। ये दिमाग में आपको रखना है, चाहे फॉर्मिक एसिड हो, मैलिक एसिड हो, टार्टरिक एसिड हो, ऑक्जेलिक एसिड हो, फॉर्मिक एसिड हो, कोई भी एसिड, वो सारे के सारे एसिड हमारे कैसे हैं डियर, वीक एसिड है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड की बात कर रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड के आधार किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज के आधार पे, दो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में मैंने आपको बताया है फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, फिर इसके बाद साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फिर इसके बाद और क्या बोले थे, टीयर्स में बोरिक एसिड, यूरिन में यूरिक एसिड, ये सारे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। वो सारे के सारे कैसे एसिड है बेटा, वीक एसिड है। लेकिन जब बात कोई करे इनऑर्गेनिक एसिड का, लैब में प्रिपरेशन किए थे ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे के सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और इसको हम लोग किसमें किए, लैब में किए, करेक्ट यहां तक। फिर इसके बाद क्या देखे थे, ऑन द बेसिस ऑफ द कंसंट्रेशन के आधार पे सर, कंसंट्रेशन के आधार पे कितना था, दो, एक था हमारा क्या स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा क्या था वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलते थे, द सीड विच द अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज मोर देन द वाटर, पानी की मात्रा कम, एसिड की मात्रा ज्यादा, स्ट्रॉन्ग एसिड। डायल्यूट, डायल्यूट का मतलब ही क्या होता है, पानी, जिसमें पानी की मात्रा क्या ज्यादा, एसिड की मात्रा कम, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। पानी की मात्रा ज्यादा हो जाएगा तो डायल्यूट, एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है, क्लियर है सारा चीज आपको दिमाग के अंदर सेट। नेक्स्ट क्लास में बेटा जब हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे क्या, प्रिपरेशन ऑफ एसिड बेटा, क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बोलो, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ क्या बेटा पढ़ेंगे हम लोग, एसिड पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, कब हम लोग पढ़ेंगे बेटा प्रिपरेशन ऑफ एसिड, सोचो कब पढ़ेंगे, हाँ जी प्रिपरेशन ऑफ एसिड हम लोग कब पढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास में, कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में बेटा, ये वाला टॉपिक है ना, प्रिपरेशन ऑफ एसिड, प्रिपरेशन ऑफ एसिड बेटा हम लोग कब पढ़ेंगे। तो आज की इतना ही हम लोग रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो इसके ऊपर टॉपिक हम अपलोड करेंगे बेटा, या फिर लाइव क्लासेस होगी, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं डियर, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, सारे बोर्ड वाले बच्चे जो क्लास 10th के हैं उनको शेयर भी कर दीजिएगा जमकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।